मैं तो ऊपर भी ना आ पा रहा हूँ। मैं खींचूंगा तो खींचे मतलब आराम चाहिए आराम। वो पानी देखना खाली तातो साले तो है गाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी हम आकाश के घर जा रहे हैं और दरअसल आज का जो रूटीन है वो दरअसल यहाँ से शुरू होता है कि हमको हेयर कट करवाना है। अब बाल बहुत मैसी से हो रहे हैं तो देखते हैं हेयर कट करवाते हैं आकाश के बाद चलते हैं। आकाश से पूछते हैं कहाँ जाना है। अच्छा ना हमको पूरे 35 दिन हो गए, 35 दिन पहले हमने हेयर कट करवाया था, आज हम हेयर कट कराएंगे। तो 35 दिन हो गए हैं तो मैंने भी घर वालों को दिखा दिया, देखो 35 दिन हो गए, एक महीना पूरा हो गया और आज हम हेयर कट करा रहे हैं। देख लो यार इतिहास अपने आप को दोबारा दोहरा रहा है, हमने जैसे उस दिन वेट कर रहे थे ना आकाश का फिर से वेट करना पड़ता है। हाँ आंटी सुबह की चाय ले रही है जिससे कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है। भाई सुबह की चाय चाय लवर चल रहा है चले हेलमेट। हाँ यार देखो ये मैं भूल जाता हूँ पर आकाश हमेशा ध्यान रखता है, देखो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है भाई। हेलमेट सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आप फॉलो कर लेते हो तो उसमें कोई बुराई थोड़ी। भाई कहाँ सो रहे हो सब, रियल स्ट्रगल तो यहाँ हो रहा है। हेलमेट देखो हमने ले लिया है। यार हम ना प्रिंस के घर पे आ रहे हैं। पहले तो वैसे तो हमारा जो प्लान है वो है बाल कटाने, हमको ड्रेसिंग करानी है फ्रॉक पे, पर पहले हम प्रिंस के पास जाएंगे क्योंकि रस्ते में उसका घर पड़ता है। तो हम तो यार ऐसा कर नहीं सकते, हम इतने धोखेबाज और वफा, हम बेवफा नहीं है यार। अपने भाई के यहाँ आ जाए रस्ते में उसके घर के सामने जाए तो हम उसके घर भी जाएंगे। लाते हैं हम तो प्रिंस से थोड़ी ही देर में उसका वेट कर लेंगे। यार सबसे पहले हमने सोचा है ना कि कॉल कर देते हैं प्रिंस को, अभी सो रहा हो लेटा हो खा रहा हो पी रहा हो ऐसे अच्छा नहीं लगता किसी घर में घुसना। पे इसने लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान, इसके यहाँ एक कुत्ता ऐसा कि तुम जानते हो यहाँ पे भी लिख दिया बीवेयर ऑफ डॉग। कर लिया भाई बंद कर ले अंकल नाश्ता। यार मत कर अभी यार नहा दो ना। तो क्या है हम भी तो कौन से नहाए हैं। बाल कट रहे हैं, बाल कट रहे हैं। तू देखो मेरे भाई से मेरा खुद जेदर तो मेरा कब पाई ऐसा। चल हमने तो 34 लॉक पहले बाल कटाया था इनसे, कह दी मैंने देख लो कितना है। चैनी चैनी गैनी गैनी मैं यहां पे तमाकू पान सब रख लूं दिखा दियो अपने ब्लॉग में। यार ये वाला बेकार इंसान है, कुछ कट नहीं रहा है अपने ब्लॉग में। लगा लियो कि मैं ना डालूंगा पर वो डाल ले। हां मैं ऐसा ही हूं भाई, तो इंटरेस्टिंग पार्ट वही होते हैं जो मैं कहता हूं कि नहीं डालूंगा पर वो डालने होंगे। कैसी लग रही है मेरे को तो सही लग रही है। सबसे अच्छी मेरे को पता है मेरी बियर्ड लग रही है जो कि शेप बनवा के और सही करवा के एकदम ऐसे नहीं हो, पेड़ पौधे हो जाते हैं जंगली से उनको हम शेप दे देते हैं तो बढ़िया से लगते हैं। ऐसी बियर्ड हो गई अच्छी सी लग रही है, बस बाल तो कटेंगे। हमें ना आकाश का वेट कर रहे हैं, आकाश जैसे ही अपने मतलब सेटअप बना लेगा अपने बाल कटवा लेगा तो हम घर जाएंगे। फिर और क्या करना है अभी, पहले पे भी करना है अभी, तो पैसे हैं नहीं पे कहाँ से करूँ यही सोच रहा हूँ। ऐसा वैसा नहीं है आकाश से हेल्प ले रही है तो मेरे पास इतने तो पैसे होंगे देखते हैं। हाँ तो ये भैया हमारे यार इनसे पूछे क्या कर रहे हैं भैया, ये क्यों कर रहे हो आप ये पानी का, ये रेत मट्टी उड़ती है उसके लिए। अच्छा हाँ यार यहाँ पे है ना ये जो एरिया है ना यहाँ पे बीच में तो रोड है देखो, पर यहाँ आसपास है आजू बाजू में ना बहुत सारी मिट्टी है। ये मिट्टी ना जब धूल हवा उड़ती है हवा आती है तो ये धूल मिट्टी उड़ती है तो उसको है ना स्थिर रखने के लिए और वहीं की वहीं जम जाए, इसलिए है ना भैया पानी डाल रहे हैं यहाँ पर जैसे मिट्टी उड़ेगी नहीं।
सो गाइस अभी ना हम अपनी मतलब बाहर से आ गए हैं, बाल वगैरह कटवा के आ गए हैं और बियर्ड वगैरह सेट करवा के आ गए हैं और बढ़िया सा लग रहा है मेरे को, मतलब अच्छा सा फील हो रहा है। और अभी हमें हमारा एक भाई है नंबरदार करके, उसकी आईडी है और दरअसल उसका नाम है मयंक, तो मयंक सारसूत। और यार वो मतलब बेचारा परेशान हो रहा है, उसको चाहिए वीडियो, क्योंकि उस वीडियो में वो भी था, तो कह रहा है कि यार जल्दी से वीडियो कब डालेगा, कल से वो परेशान है, तो वीडियो डाल रहा हूँ मैं जल्दी से और जल्दी जाके देख लेना। तो मयंक भाई वीडियो डाल रहा हूँ मैं, चिंता मत कर, उसको वीडियो को अपलोड करने का टाइम आ गया है। और चलते हैं अब यार, स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे और फिर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो क्वांटम भी लेके आऊँ मैं पढ़ने के लिए, आज पेपर कल पेपर है ना, तो पेपर की प्रिपरेशन करनी है ना, तो क्वांटम ले आऊँ, एक मैथमेटिक्स की और एक केमिस्ट्री की, दोनों पढ़ेंगे फुल। तो आज देखते हैं क्या है इसकी मैगी में, क्या अभी तेरी मैगी में, मेरी मैगी में मैगी मसाला। ओ तो गैस जल रही है, जिंदा आग लगी पड़ी है यहाँ पे, मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ उसको कुछ बनाते हुए। एक बार उसने कोल्ड कॉफी बनाई थी तो अच्छी थी, अब देखते हैं मैगी बना रहा है वो। बहुत तारीफ करते हैं इसकी लोग मैगी की, दूर दूर से प्रिंस का छोड़ के दूर दूर से लोग मैगी खाने आते हैं इससे। तो आज देखते हैं क्या है इसकी मैगी में। ओ जैसा आकाश ने कहा वैसा ही हुआ, कैमरे पे बननी भाप, जिंदा लाई पकड़ के लाए हैं विकास मार्केट से, मसाला डाला इसमें जिंदा, ये घुमाई इसने कलची, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर बाहर रखो फिर ऐसे करके था। उठ रहा अभी कुछ लगा हुआ है क्या खाने का, क्या खोआ है, है खोआ है, खोआ खोआ है तो सब खाने का। ठीक है इसकी कछुआ पैर पे चढ़ रहा है, कट रहा है नाग इंसान से, इसके इंसान है हमारे आगे चूहे भी बैठा भाई तरह ही है, अत्तसी करते चले ना उनकी हाँ पैर पैर पे चढ़ गए तो हमें क्या भाई जा तेरी अत्तसी तू चल गा ना। आकाश क्या क्या यूज कर रहा है आजकल, ये तेल है मेरा नहीं है, ये वीजोन प्लस मेरा नहीं है, और ये क्या है स्लाइड साइड ब्लू गेट्स वे जे, आकाश का आज तक का राज पर्दाफाश हो गया है कि आकाश जिससे बाल चिपका के रखता था वो यही है। पर्सनल चीज एक्सपोज मत करो, ये पॉन्ड्स की क्रीम है, ये लगाता है आकाश, ये तो मैं लगाता हूं झूठ क्यों कह दूं, ये कुमकुम सिंदूर ये मेरा नहीं है, सुपर अच्छी मेरी थोड़ी, ये महंगे नशे आकाश के, इसने इसमें बटर डाला है, अमूल बटर है, अमूल है ना, छोले भटूरे वाले मैंने देखा है कि रैपर होता है अमूल का, उसके ऊपर दूसरी कंपनी का लाके बटर रख देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये खत्म हो गया। अभी तो मैं इसको मिला रहा हूँ यार, थोड़ा सा मतलब जो बटर है ना पूरे में थोड़ा फैल जाए, तो सारा बटर एक ही बार में आ गया तो टेस्ट नहीं आ पाया, कल खा के देखते हैं कैसे बनाया आकाश। सच्ची बताऊं मैं कसम से, तो जो दुकानों पे और बाजार में हम खाते हैं उससे तो बहुत अच्छी है, ये घर की बनी हुई शुद्ध साफ शाकाहारी। पहले बंधन तो वचन दो, क्या हो गया यार का, अब देख बंद करने के लिए आ रहा है ना, तेज आ रहा है, मत कर इसको मत दे, अरे अब तेज आ रहा है ना, अब बहुत कम आ रहा है, जैसे है ना आकाश के घर की जो टंकी थी ये वाली गंगा, मुझे लगता है गंगा टंकियों से ज्यादा दुश्मनी है इन बंदरों को, इन्होंने ना पड़ोसी के घर की टंकी को भी तोड़ दिया है, देखो यार यार ये टंकी देखो कितनी खाली हो गई, कितनी खाली होगी देखो, इस टंकी को रोकने के लिए हमने लॉजिक लगाया, हमने बाहर की जगह अंदर पन्नी लगाई है, तो अब पानी की गति बहुत धीमी हो चुकी है, और तुम ये देखो भाई वेदर, मैंने दिखा दिया है वेदर, और ये क्या तिरंगा, यार मुझे तो आकाश, मुझे तो यार आकाश पे आ रहा है बेचारा, दो मिनट में दो सेकंड में ना वो बन गया सिविल इंजीनियर, सीएस पढ़ते पढ़ते नीचे वेक्टर पढ़ते पढ़ते अचानक से मुझे इंजीनियर की जगह प्लम्बर बनना, और इसकी जीन्स का क्या हुआ है ये देख लो यार, अच्छे से पैसे वैसे और नहीं थे, फोन भी नहीं चाहिए अब पड़ोसियों को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा उनकी टंकी टूट गई है वो अभी तक, और वो सारा पानी यहाँ से निकल गया, तो अब खबर कर देनी चाहिए,
पानी बहुत वेस्ट कर रहा है। अरे राजकुमार यो, राजकुमार यो, ए पानी फैल लो। हेलो,